आऊंगा, जो इसकी शाइन है ना, इसके शाइन को मैं दोबारा से लेके आऊंगा भाई। 6 लाख दो और भाई ले जाओ इली था। माय गॉड लवली। किसी भाई के पास गोप्रो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते भाई। देख लो ऐसा कुछ एंगल आएगा नाइट विजन का, आईफोन से वीडियो बनेगी भाई। डराती है भाई Z900। अरे जमशेदपुर का सेकंड सलमान खान। भाई चेक करो एक बार आवाज। भाई डन कर दें स्कोडा को, स्कोडा रैपिड, या फिर भाई बोलो की तलाशी करें। जो लोग जमशेदपुर से उन लोगों को पता होगा। बैक टू द चैनल भाई, टाइम हो रहे हैं 2 और बुलेट लेके जा रहे हैं भाई। पीछे बाइक निकल रही है अपनी बुलेट, और जैसा कि मैंने बताया था भाई आप लोगों की इंजन की बफिंग कराने वाले हैं, तो इंजन की बफिंग चल रहे कराने। और साथ में भाई बता दूं एक मैं प्लान कर रहा हूँ फोक्सवैगन पोलो की, क्योंकि उसको थोड़ा मॉड करने की सोचूंगा। लेके दिखाते हैं, तो पीछे बुलेट निकल रही है, पहले देखो भाई टायर भी इसका टकला हो रहा है, टायर भी कराएंगे। तो इंजन पे जो चमक है ना भाई वो मुझे चाहिए, ये देख लो भाई, ठीक है। और ये देखो भाई बुलेट निकल गई है, तो चलो भाई अभी कैमरा पहनते हैं, GoPro वाले एंगल पे मिलते हैं। भाई यहाँ पे चल रही है धमाकेदार चेकिंग, जो कि भाई बुलेट के साइलेंसर की भी चेकिंग चलती है, जो कि लाउड रहेगा तो भाई पकड़ाएगा बुलेट। भाई इतना अच्छा लगा, इतना अच्छे अच्छे कमेंट आए भाई आप लोगों के, कि भाई साड़ी गार्ड कैसे लगाना है बुलेट पे, लाइट कैसे लगानी है इस पे, भाई एग्जॉस्ट कैसे लगाना है, ये कैसे करना है। तो भाई मैंने यार सोच रखा है अब कि भाई बैक टू बैक आप लोग के लिए बुलेट पे ही वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो भाई मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है यार छपरी वाले वीडियोस बनाने की। अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा भाई आप लोगों के लिए अभी, इसीलिए भाई मैंने सोचा चलो बफिंग करा लेते, इसी बहाने भाई बाइक भी रेडी हो जाएगी। मैं वैसे भी जल्दी उठ जा रहा हूँ यार, सुबह 9 बजे 8 बजे या 5 बजे अंधेरा हो जाता है ना, तो यार इसीलिए व्लॉग्स नहीं बन पाते हैं, फिर क्वालिटी नहीं आती है। ओला का ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मैट पे देख रहे हो भाई दिन में लाइट। तो भाई मैं सोच रहा था कि घर पे इंजन बफिंग कर लूँ, घर पे क्लीनिंग कर लूँ, बट लेकिन कोशिश बड़ी करी है यार, वो चमक नहीं आती। जब तक इस पर वो बफर नहीं चलेगा ना वो शाइन नहीं निकलेगी। बट ये आ चुके हैं गोलमुरी, रोड कितने खाली है भाई देखो। ओ माय गॉड लवली, मज़ा आ रहा है भाई। तो भाई साहब मैंने पता कर लिया बफिंग का, तो बफिंग का सीन ये है ना कि इसका मुझे इंजन का दोनों मतलब क्लच का कवर, सेल्फ का कवर, आगे के शॉकर सब कुछ खोल के लेके जाने पड़ेंगे, और जहाँ पे बफिंग होता है वहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे। अगर लगे लगे मैं करवाता हूँ तो वो प्रॉपर काम नहीं होगा, तो गाड़ी को पूरा डिसमेंटल करके सारे पार्ट्स को खोल के देना पड़ेगा, तो ये काम काफ़ी लंबा हो जाएगा यार। और जो खर्च मुझे बताया है लगभग 1500 से 2000 रुपये का खर्च आएगा, बट यार मुझे वर्थ और वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यार एक तो मुझे बाइक छोड़नी पड़ेगी, उसका सारा सामान डिसमेंटल होगा, सारा सामान इसका डिसअसेंबल होगा, उसके बाद फिर जाएगा, फिर काम होगा, फिर आएगा लगेगा, तो ये मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो इसका मैं कोई और जुगाड़ लगाऊंगा, जो इसकी शाइन है ना, इसकी शाइन को मैं दोबारा से लेके आऊँगा भाई। कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जो दोबारा से इसकी चमक आ जाए। अभी चलते हैं भाई आगे, टेल्को जाना है मुझे। तो भाई ये जगह देखो कितनी शानदार लग रही है यार, मतलब एक टाइम मैं यहाँ पे आता था भाई साइकिल लेके स्टंट करने, जो लोग जमशेदपुर से उन लोगों को पता होगा। तो भाई आ चुके हैं, और मैं तो भाई खोज रहा हूँ पोलो फोक्सवैगन। भाई देखो आते साथ मुझे क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे, तो भाई देख लो यार ये रैपिड ये वाली आई हुई है। चलो यार अभी देखा जाए, बीट सुनो बुलेट की। यहाँ पे सियाज लगी है, यहाँ पे सियाज है, एक भाई गाड़ी आओ दिखाता हूँ। 6 लाख दो और भाई ले जाओ इली थार, फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो भाई अंदर से दिखाता हूँ, ओए होए होए, देखो भाई पूरी A1 कंडीशन में है। तो भाई 6 लाख दो थार ले जाओ भाई, पूरी की पूरी रेडी है, एक रुपया खर्चा नहीं है। आओ भाई अभी आप लोग को दिखाते हैं एक और गाड़ी। तो भाई ये वाली ऑडी भी मुझे पसंद आ रही है यार, कैसी लग रही है बताइए यार एक बारी। ये देख लो भाई पूरी टन टन कंडीशन में है, ये लो टायर वगैरह चेक करो कितने ओके रिपोर्ट है। तो भाई आओ यार एक ही गाड़ी ये वाली पसंद आई है, ये है स्कोडा की रैपिड। आओ भाई इसको पहले चला लेते हैं एक बारी। चलो ये यार ऊंचा नया वाला मॉडल है, बट गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है यार। फोक्सवैगन ऑडी सब यार एक ही है, कोई फर्क नहीं है। देखो भाई इसके ऊपर बिल्ड क्वालिटी देखो यार, डैशबोर्ड वगैरह कितने प्रीमियम लगते हैं।
बहुत ही प्रीमियम है, एक भी मीटर में एरर नहीं है, देखो एक भी एरर नहीं है। तो चलो यार चला के देखते हैं। तो यार कितनी ज्यादा मतलब अंदर से प्रीमियम फील दे रही है, और स्कोडा की जो पावर होती है ना नेक्स्ट लेवल। यार देखो मैं जैसे सेकंड गियर पे हूँ अभी, ठीक है पावर चेक कर रहा हूँ, देखो मैं जैसे पुल कर रहा हूँ, देखो पावर आरपीएम देखो और स्पीड देखो, मतलब स्कोडा की जो पावर परफॉर्मेंस है ना वो मतलब ऑडी बीएमडब्ल्यू के टक्कर की है भाई। चेक करो एक बार आवाज, भाई पसंद तो आ रही है यार। गाड़ी कैसी लगी आप लोग बताइए यार कमेंट करके एक बारी, और अच्छी लगी मुझे रैपिड देख लिए की, और बाकी सारी गाड़ियाँ चेक करिए। यहाँ पे मेरे मतलब की कोई गाड़ी नहीं है भाई, एक रैपिड है, पोलो को लेनी थी भाई पोलो मिली नहीं, और वहाँ पे एक फैबिया खड़ी है, बट यही है गाड़ी लग रही है भाई। इसको रैप वैप करा के यार ओके रिपोर्ट करा सकते हैं, बहुत लग्जरी लग रही है गाड़ी। चलो यार अब चला जाए, पसंद तो भाई एक अपने को ये वाली ऑडी भी आई है, हो सकता है भाई इसको ले लेंगे, देख लो यार फिर से एक बारी। और टाइम भाई देखो 4:15, स्टिल कुछ खाया नहीं है अभी, घर के बाहर ऑडी भी बन रही है, दिखा देता हूँ यार। ये देख लो ये अभी ऑडी का काम चल रहा है, लाइव कैमरा प्रीव्यू, ये देख लो भाई पूरी आप लोगों को दिख रहा है भीड़ लगी हुई है, अपनी A6 की हो रही है सर्विस और टाइमिंग बेल्ट चेंज, ये देख लो सारा काम घर के बाहर ही भाई, पूरी ऑडी खोल के रख दी भाई A6 हमने। तो फटाफट चलते हैं, और रांची से भाई एक गाड़ी भी आ रही है Z900, जो कि आप लोगों को शाम में वो भी दिखाने वाले हैं। अब आप लोग बोलते हैं सोनू भाई रोज का रूटीन दिखाओ, क्या रूटीन है, डेली व्लॉग करो, तो भाई देख लो डेली भाई काम इतना रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता भाई, अभी कितने काम बचे हुए हैं अभी। और काफ़ी भाइयों के लिए यार मुझे इसकी लाइट भी लेके आनी, क्योंकि भाइयों की डिमांड है, भाई लाइट ला दो, साड़ी गार्ड ला दो, वो भी यार उसका भी काम है। लंच वगैरह तो भाई लंच वगैरह हमने कर लिया है, और ऑडी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। हो चलो यार ये सबसे अच्छा काम हुआ कि भाई ऑडी ऑन हो गई, चल के देखते हैं अभी। बच्चों भाई बाइक की आवाज़ सुन के सारे पहुंच चुके हैं, भाई साहब यहाँ हैं हो गया ऑन, और भाई अपनी ऑडी रेडी हो चुकी है पूरी की पूरी, अब इसको करानी है वॉशिंग वगैरह। अपना बुलेट भाई यहाँ पे फटाफट करते हैं भाई पार्किंग, और उसके बाद आ रही है भाई सुपर बाइक, आप लोगों को दिखाते हैं। देखो 7:45 हो गए, जैसे कि मैंने बताया था भाई Z900 आ रही थी, ये देखो भाई Z900 आ चुकी है और अपनी बुलेट वहाँ पे। तो चलो भाई आप लोगों को Z900 पे राइड लगाते हैं थोड़ी सी, और ये बाइक पूरी की पूरी स्टॉक है मैं बता दूं भाई, और चला जाए। देखो भाई रिएक्शन, बैठ तो अभी स्टॉक साउंड है भाई, हैं जमशेदपुर का सेकंड सलमान खान, देखो भाई क्या बोल रहे हैं भैया भाई चलो आ चुके हैं Z900 पे भाई। Z900 ना इतना ज्यादा झटका मारती है ना, इतना ज्यादा झटका मारती है, थोड़ा थ्रॉटल देने से इसके आरपीएम लिमिट थोड़े छोटे हैं, बट झटके बहुत मारती है। आई होप व्लॉग आ रहा हो भाई रात को, क्योंकि रात का सीन है। चलो भाई भाई विलिया मार रही है, देखो सेकंड गियर पे भी भाई डराती है भाई Z900। बोलते ना लोग भाई विली मार के देखो, देखो कैसे विली मार रही है। तो भाई चलो यार वहाँ पे अपनी बुलेट चल रही है, और
हमजैन 900 में चल रहे हैं भाई। यार मज़ेदार बाइक है यार, मज़ा आ गया चला के, फील आ गई है नेकेड पे भाई। इससे अच्छी तो कोई बाइक ही नहीं है। अगर छोटी बाइक चाहिए आप लोगों को छोटी वाइज़र में तो मज़ेदार है भाई, बहुत इनिशियल तगड़ी है यार, बहुत तगड़ी है इनिशियल, बहुत स्मूद है, बहुत स्मूथ है। बस थोड़ी सी लाइट आगे कमी लग रही है मुझे, लाइट की विजिबिलिटी नहीं है, बाकी बाइक ओवरऑल 10 out of 10 है। तो मैंने सोचा यार आप लोग के लिए एक व्लॉग हो जाएगा आज, और सारा कुछ दिखा दिया। अभी मुझे और काम है यार, अभी ऑडी लेके भी निकलना है और कल सुबह हम निकल रहे हैं यार कोलकाता ऑडी पे, ठीक है। मैं फ्री होके निकला हूँ भाई अपनी स्प्लेंडर पे, क्योंकि भाई जितनी राहत मुझे इसी पे मिलती है ना वो भाई ना ही बुलेट पे मिलेगी ना ही किसी में मिलेगी, इस पर आराम है भाई। और शाम में मैं इसी में निकलता हूँ घूमने, और अभी चलते हैं यार कुछ खाते पीते हैं। बाकी सच में कहूँ तो यार, अरे यार क्या कर रहे हैं भाई, जहाँ पैसेंजर मिला वहीं गाड़ी घुमा दो। तो भाई फाइनली ये भाई कंक्लूजन निकला है कि मतलब Z900 चला के जो मज़ा आया ना, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आया भाई। इतनी पावरफुल है और इतनी स्मूथ थी बाइक, मतलब मज़ा आ गया। बट उस पर एक कमी थी एग्जॉस्ट की, और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई आईफोन से बना रहा हूँ, तो जिस किसी भाई के पास GoPro नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते भाई, देख लो ऐसा कुछ एंगल आएगा नाइट विजन का, ऐसे आईफोन से वीडियो बनेगी। और अभी मैं बना रहा हूँ वाइड एंगल पे, एक बार देखो 1x पे कितनी क्वालिटी है, देखो ये 1 है ठीक है, 1 पे देखो क्वालिटी। तो चलो भाई मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।